अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। मैं मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाइस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी की जानिब से लॉन्च होने वाला है। इस मोबाइल फोन का नाम है ओप्पो A16। इस मोबाइल फोन की तमाम तर स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट और फर्स्ट लुक जो है कंफर्म हो चुकी है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट लुक भी इस मोबाइल फोन के दिखाने वाला हूं और साथ आपको इस मोबाइल फोन की तमाम तर स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और लॉन्च डेट क्या होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो A16 के डिजाइन की। तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा और बैक साइड पे आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रंट की तो फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नोटिस का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और आपको फ्रंट पे किसी भी किस्म की फोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो साथ ही बात करेंगे इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ आपको 85.6% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के पैनल की तो यहाँ पर आपको IPS LCD कम्पैक्टिव टच स्क्रीन 16 पिक्सल कलर के साथ देखने को मिलेंगे। अगर बात करें रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको कोई अच्छा रिफ्रेश रेट इस मोबाइल फोन पर रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के ओवरऑल डिस्प्ले की तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ओप्पो के इस नए आने वाले मोबाइल फोन का डिस्प्ले कैसा लगा है। तो गाइस, बात कर लेते हैं स्मार्ट फोन के कैमरास की। तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। अगर बात करें थर्ड कैमरा की वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा और इस मोबाइल फोन की बैक साइड पे आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। आप मेन कैमरे से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रंट की तो फ्रंट पे आपको वाटर नोटिस का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट कैमरे से आप 1080 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के फीचर की तो यहाँ पर आपको टच टू फोकस, डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन जैसे तमाम फीचर इस मोबाइल फोन पर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के इंटरनल की तो ये मोबाइल फोन 4GB रैम और 64GB रोम के साथ लॉन्च होगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की बैटरी की तो ये मोबाइल फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा और साथ आपको 10W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। 10W का फास्ट चार्जर सिर्फ नॉर्मल चार्जर होता है, कोई फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता। आपको इस मोबाइल फोन को फुल चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर बात करें इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक हेलियो G35 की चिपसेट देखने को मिलेगी। अच्छी चिपसेट है जी सीरीज की, क्योंकि ये चिपसेट अमूमन गेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है लेकिन यहाँ पर क्वालिटी कम है। इसका मतलब यह है कि आप लो सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं लेकिन कोई हैवी सेटिंग पर आप कोई भी गेम इस मोबाइल फोन पर रन नहीं कर सकते। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सॉफ्टवेयर रन करता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें नेटवर्क की तो ये मोबाइल फोन 3G 4G का सपोर्ट करने वाला है। अगर बात करें इस मोबाइल फोन का वेट क्या होने वाला है तो इस मोबाइल फोन का वेट 180G का होगा जो कि आपको अच्छी हैंड फील देगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन की प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है तो इस मोबाइल फोन की प्राइस आपको पाकिस्तान में 23,000 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें इस मोबाइल फोन के लॉन्च डेट की तो ये मोबाइल फोन इसी मंथ के लास्ट वीक के अंदर लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, इस प्राइस रेंज में आपको और भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो 21,000 पैक रेंज के अंदर आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल है। इस मोबाइल फोन पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और साथ आपको 90 हर्ट्ज का सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर बात करें एक और मोबाइल फोन की वो टेक्नो पोवा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आपको बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आप हाई क्वालिटी में कर सकते हैं इन दोनों मोबाइल फोन पर, आपको किसी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ओप्पो A16 आप लोगों को कैसा लगा है। तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक्निकल बाइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोबाइल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।